ओ भाई साहब, पोकेमोन होराइजन्स ने इंटरनेट को ब्रोक कर दिया। भाई तुम्हें पता नहीं है क्या क्या हुआ है? इसके फैंस ने इतना कुछ बड़ा कारनामा कर दिखाया है कि पोकेमोन होराइजन्स ने अपने एपिसोड के अंदर कट लगा दिए, चीजों को रिमूव कर दिया एंड पूरी स्टोरी को ही बदल दिया। पर यार बस छोटी सी चीज के लिए इन्होंने इतना कुछ कर लिया, समझ में नहीं आया। अरे इसके फैंस, तुमने किया है ये, बताता हूँ मैं। तो देखो, जैसा कि तुम्हें पता होगा, पोकेमोन होराइजन्स एनिमे सीरीज चल रहा है और उसके अंदर एक छोटा सा टूर्नामेंट चल रहा है और उसके अंदर लिको की फ्रेंड एंड जो होती है मुकाबला करने आती है और उसके पीछे हमको म्याओ दिखाया जाता है प्रीव्यू के अंदर। लेकिन जब वो एक्चुअल एपिसोड आता है ना, उसके अंदर म्याओ को रिमूव कर दिया। अब भाई साहब, इंटरनेट ब्रेक हो चुका है, लोग भाई पागल हो चुके हैं। लोग बात कर रहे हैं कि पोकेमोन होराइजन्स वाले इस किस्म से इतनी नफरत करते हैं। बस लोगों ने डिस्कशन किया कि पीछे जो म्याउ थे ना, वो टीम रॉकेट का हो सकता है। बस उस चीज को लेके उन्होंने म्याउ को रिमूव कर दिया। बस एक सेकंड के सीन में उन्होंने म्याउ को रिमूव किया। क्यों? बस वो टीम रॉकेट का जैसा लग रहा था इतनी छोटी सी बात के लिए। और फैंस काफी ज्यादा डरे हुए भी हैं कि क्या ये सिंपल सा इंडिकेशन है कि एस किस्म कभी भी आने नहीं वाला, एस का समय जा चुका है। तो बात करते हैं कि उन्होंने म्याउत को रिमूव किया क्यों। पहला, कंटिन्यूटी एरर आ रहा होगा, यानी कि उनको लग रहा होगा कि म्याउत इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन्होंने रिमूव कर दिया। या फिर बहुत बार पोकेमोन वाले ऐसा करते हैं कि स्टोरी में कुछ यार फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा होता है तो यार बहुत सारी चीजों को वो रिमूव कर देते हैं। अरे यहां तक पूरे के पूरे एपिसोड भी रिमूव हो चुके हैं, ये तो बस एक सीन है। लेकिन उस चीज का कोई सेंस बन नहीं रहा है ना यहाँ पे। बस एक म्याउथ को रिमूव करना कंटिन्यूटी को कैसे ब्रेक कर सकता है, तो इस पॉइंट को तो मैं मानने नहीं वाला। दूसरा पॉइंट है अवॉइडिंग कंफ्यूजन। हाँ, ये हो सकता है पोकेमोन वाले हमको कंफ्यूज करना नहीं चाहते कि वो टीम रॉकेट का म्याउथ है या फिर किसी और नॉर्मल ट्रेनर का म्याउथ है, या फिर ये क्रिस्टल क्लियर पोकेमोन की तरफ से मैसेज हो सकता है कि एस जा चुका है, वो वापस नहीं आने वाला, तुम भूल जाओ, ये नई दुनिया है, नया सफर है, नया एडवेंचर है, नई हीरोज है, ये लिको रॉय की कहानी है, अब बस यही है, इसको ही देखना है तुम्हें। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है टीजिंग फ्यूचर। ऐसा भी हो सकता है कि पोकेमोन वालों ने जानबूझकर इंटेंशनली म्याउथ को रिमूव किया ताकि इंटरनेट के ऊपर एक बज क्रिएट हो सके कि यार देखो देखो यार उन्होंने म्याउथ को रिमूव कर दिया, वो एनटीएस के जमे एस के फैंस तुम्हें पता ही है ना कितने ज्यादा इमोशनल होते हैं एस को लेके, यार छोटी मोटी चीज को भी वो बर्दाश्त कर नहीं सकते, तो उसको लेके इंटरनेट पे हवा हो जाएगा, सारे लोग इसके बारे में बात करेंगे और इस तरीके से पोकेमोन होराइजन्स की मार्केटिंग हो जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, एवरी मार्केटिंग इज गुड मार्केटिंग, इवन नेगेटिव मार्केटिंग भी अच्छी मार्केटिंग होती है, एंड आई होप कि ये सही मार्केटिंग है। क्योंकि यार तुम्हें देख लो यार, हम होराइजन्स के न्यू एपिसोड के बारे में बात करते हैं क्या कभी? नहीं करते, अभी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने म्याउथ को रिमूव कर दिया और लोग बोल रहे हैं कि यार वो टीम रॉकेट का म्याउथ था इसलिए रिमूव किया, और इनडायरेक्टली वो बताना चाह रहे हैं कि एस जा चुका है। तो समझ रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि ये सब का सब जो है ना मार्केटिंग का खेला है, या फिर इसमें एक और अच्छी बात हो सकती है शायद तक से वो हमको हिंट दे रहे हैं, एक छोटा सा हिंट है जो कि सच्चे फैन ही समझ पाएंगे कि फ्यूचर में एस किस्म आने वाला है। क्योंकि तुम्हें पता होगा पोकेमोन के डायरेक्टर ने खुद ये बात बोली थी कि फ्यूचर में एस किस्म पक्का कमबैक करेगा, तो ये उसी का हिंट हो सकता है कि अब समय आ चुका है, पोकेमोन होराइजन्स एंड होने जा रहा है और एंडिंग में एस किस्म कमबैक करेगा। ये बस ऐसा मुझे लग रहा है, पॉजिटिव इंसान होके मैं ये सोच रहा हूँ। और पॉइंट नंबर 4, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोडक्शन का डिसीजन होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि ऐड और रिमूव करते रहते हैं पोकेमोन वाले प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में, तो मेरा ओपिनियन यही है कि उनको म्याउथ को रिमूव नहीं करना चाहिए था यार। हजारों म्याउथ पोकेमोन वर्ल्ड में है, बस एक छोटा सा म्याउथ पीछे है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीम रॉकेट यार इसी यूनिवर्स का पार्ट है, टीम रॉकेट यहाँ पे आ चुकी है, टीम रॉकेट यहाँ पे मुकाबला देख रही है। ये बस उन्होंने यार ज्यादा ओवर कैलकुलेशन कर लिया होगा और उन्होंने रिमूव कर दिया। एंड यार अगर उनको एस के बारे में नेगेटिविटी फैलानी होती, अगर पोकेमोन होराइजन्स एंटी एस किचम होता, तो भाई पोकेमोन वाले हमको एस किचम का हिंट पहले देते ही नहीं ना यार। इंग्रिड सेलर को क्यों दिखाते, उसकी जगह कोई दूसरा कैरेक्टर ला सकते थे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉस्ट्यूम भी सेम थी और पोकेमोन डायरेक्टर ने बोला था ना यार एस किचम पक्का आएगा, तो वो वैसा बोलते नहीं। तो ये तो वही बात हो गई कि शो के डायरेक्टर कुछ और बोल रहे हैं और शो वाले कुछ और बोल रहे हैं। तो एट द एंड यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहला कि ये सच में एंटी एस किचम है और ये चाहते हैं हमको बताना चाहते हैं कि एस जा चुका है,
अब बस नहीं आने वाला वो, और दूसरा फ्यूचर को लेके ये हिंट था। तुम ही सोचो ना, कौन बात कर रहा था एस के रिटर्न के बारे में, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस चीज को रिमूव किया, फेंस बात करने लगे कि एस आएगा या फिर नहीं, ताकि यार पहले ही लोग मेंटली रेडी हो जाए कि हाँ एस किसम आने वाला है। अब भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम इस रिमूव वाली चीज को कैसे देखते हो, पॉजिटिव वे में देखते हो या फिर नेगेटिव वे में देखते हो। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहूंगा इसके ऊपर, तो मुझे जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय।